आपने बहुत सारे बर्ड और जानवर को देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो कि इनविजिबल होते हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देते? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जीवों से मिलवाने वाले हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि वो इनविजिबल होते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, लेप्टोसिफेलस। दोस्तों, ये जीव समुन्द्र के अंदर पाए जाते हैं। देखने में ये जीव एक मछली की तरह ही लगते हैं, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। ये अजीब से दिखने वाले जीव खुद को छिपाने में बहुत ही माहिर होते हैं। जब ये 3 महीने के छोटे बच्चे होते हैं, तब तक इनका कोई कलर नहीं होता है, यानी ये कलरलेस होते हैं, यानी कि वो इनविजिबल रहते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे शिकारियों से खतरा होता है। और जब ये 3 महीने से बड़े हो जाते हैं और ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो ये अपने नेचुरल कलर में आ जाते हैं। नंबर 9, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, ये जानवर देखने में पत्ते की तरह दिखता है, लेकिन ये कोई पत्ता नहीं है। ये एक ऐसा जानवर है जो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टैचू कर सकता है, और ये दूसरे शिकारियों से बचने के लिए ऐसा करता है। जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये बिल्कुल स्टैचू की तरह बन जाता है। ये जीव अपनी पूरी लाइफ पत्तों के ऊपर बैठकर ही बिता देता है। नंबर 8, लीफ टेल्ड गीको। ये अजीब सी दिखने वाली एक छिपकली है जो कि खुद को छिपाने में इतनी माहिर होती है कि इसे अपनी नंगी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल है। और ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये अपने बैकग्राउंड के मुताबिक अपने आप कलर चेंज कर लेती है, और ऐसा ये इसलिए करती है ताकि दूसरे शिकारी से बच पाए और अपने शिकार को भी पकड़ सके। ये ज्यादातर शॉर्ट किट सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाती है। नंबर 7, सी हॉर्स। दोस्तों, ये अजीब सा दिखने वाला अजीब सा जीव है जो कि अपने लाइफ को बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर बैठकर उसी के मुताबिक अपना रूप धारण कर लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही इसको देखा जाता है, तब ये अपनी लाइफ को बचाने के लिए वैसा ही कलर चेंज कर लेता है जैसा कि इस पेड़ का कलर होता है, ताकि दूसरे शिकारियों से बच सके, क्योंकि कई शिकारियों का ये फेवरेट शिकार होता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। नंबर 6, ईस्टर्न श्रिच आउल। दोस्तों, ये आउल एक ऐसा क्रिएचर है जो कि दिखता ही नहीं है। जब ये पेड़ के अंदर बैठ जाता है तो ये पेड़ की तरह ही दिखता है। जब ये आउल अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तब तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और ऐसा लगता है कि ये कोई पेड़ का ही हिस्सा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये दिखाई नहीं देंगे। ये ज्यादातर सूखे पेड़ों के अंदर बैठते हैं और वहीं पर अपना घोंसला बनाते हैं। नंबर 5, डेकोरेटर क्रैब्स। दोस्तों, ये क्रैब्स एक नॉर्मल क्रैब्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो दिखने वाले बाल होते हैं वो एक पेड़ की तरह ही होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब ये क्रैब किसी पेड़ के ऊपर जाता है तो ये अपना कलर वैसा ही कर लेता है जैसा कि इस पेड़ का कलर हो। अपनी इस टेक्निक की वजह से ये दूसरे शिकारियों से बच पाते हैं। नंबर 4, द डेविल स्कॉर्पियन फिश। दोस्तों, ये अजीब से दिखने वाले फिश काफी खतरनाक होती है, क्योंकि ये शिकारियों को चकमा देने के लिए और दूसरे शिकारियों से बचने के लिए एक ऐसी टेक्निक अपनाती है, जिसकी वजह से ये अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज करती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसे देखने पर एक पेड़ की तरह लगती है। जब इसके पास कोई शिकारी जाता है तो ये उस पर तुरंत से झपट्टा मारकर उसे खा जाती है, और दूसरे शिकारियों से बचने के लिए उन्हें डराने के लिए कुछ इस तरह से डिजाइन भी बना लेती है। नंबर 3, द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, ये लकड़ी की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर होता है, और अगर ये टूटी हुई लकड़ी के ऊपर बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता कि ये लकड़ी का टुकड़ा है या कोई जीव, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब ये क्रिएचर एक टूटी हुई लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ये दूसरे शिकारियों से बच पाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इसे देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द राइट आइड फ्लाउंडर। दोस्तों, ये मछली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। जब भी ये कहीं जाती है तो बैकग्राउंड के मुताबिक अपना कलर चेंज करती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और कलर चेंज करने की वजह से ये शिकारियों से बच पाती है। और ये रेत के अंदर कुछ इस तरीके से ढल जाती है, जिसकी वजह से इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट और नंबर 1 के बारे में, लीफ बटरफ्लाई।
दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी तितली को देखा है जो कि एक सूखे पेड़ के पत्ते की तरह दिखाई देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये तितली अंदर से कलरफुल होती है लेकिन बाहर से एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है। और अगर ये तितली किसी जंगल में बैठी हो लेकिन फिर भी आप उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तितली को देखा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।